अनमोल आत्महत्या मामले में चीजें परत दर परत खुलना शुरू हो गई हैं। सारा देश परसेंटेज मूवमेंट के तहत रैगिंग के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। ताजा घटनाक्रम के लिए हम आपको लिए चलते हैं हमारी संवाददाता रितु के पास। रितु, क्या कुछ जानकारी है इस आक्रोश के खिलाफ, रैगिंग के खिलाफ? जी मंजू, कॉलेज के युवा भी खुल के सामने आ चुके हैं और वो भी इसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहते हैं। इससे कॉलेज अथॉरिटीज पे काफी फर्क पड़ रहा है और वो जल्द ही उस मुजरिम को सजा देना चाहेंगे। रितु, व्यक्तिगत रूप से छात्र इस रैगिंग पर क्या राय जाहिर कर रहे हैं? हमारे कॉलेज के यहाँ पर कुछ जूनियर स्टूडेंट्स हैं, उनसे पूछते हैं अनमोल पे ऐसा कौन सा प्रभाव था, ऐसा कौन सा दबाव था जिससे उसे ये एक्शन लेना पड़ा? जी, वो सभी सीनियर्स जूनियर्स के ऊपर काफ़ी दबाव डालते थे, उन्हें टॉर्चर करते थे, लेकिन अनमोल उनकी बात को मानता नहीं था। उसने शिकायत भी करनी चाहिए मगर वो सीनियर्स उसके ज़्यादा टॉर्चर करने लग गए। हमें ये धमकियाँ भी मिलती थी कि अगर हम उनके खिलाफ खड़े हुए तो ये अच्छा नहीं होगा। अब हम रैगिंग के खिलाफ खड़े हो चुके हैं, अब ऐसा किसी के साथ नहीं होगा। रैगिंग पे हर एक दिन।